क्या समस्या लेके आई, क्या विषय लेके आई, बोलो हनुमान जी महाराज को बताइए, सब लोग सुन रहे हैं। संतान के लिए। संतान को क्या हो गया? संतान नहीं है हमारे। नहीं है। शादी को कितने वर्ष हो गए हैं? 15-16 साल। कर रहे, बोलो। 17 साल। घर में लड़ाई लड़ती हो? घर में जाके गरेबान पकड़ती होंगी, बॉक्सिंग मारती होंगी, क्योंकि राजस्थान की हो, क्योंकि वहां तो क्षत्रिय है। यहाँ तुम ज्यादा धीरे धीरे बोल रही हो बहन, अट्टे कट्टे हो, अब अच्छे से बोला करो। हाँ तो बच्चा चाहिए? चाहिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। लो पढ़ो क्या लिखा है, माइक से बोलो क्या बोल रहे हो, यहाँ से बोलो। ये माइक भैया इतना करो कि वहीं से पकड़ लिया करे, क्योंकि समझाते हारते पागल हो जाते हैं। पढ़ो। हमने लिखा है, आप पढ़ी लिखी नहीं है तो हमने लिखा है। देखिए ये कौन सा अक्षर है? डी है। वास्तविक में नहीं पढ़ी तुम, फैलो। हमें लिखा देशु कन्वर, पति का नाम दुर्ग सिंह है, शादी के वर्ष 17-18 होने जा रहे हैं, बालक की प्राप्ति होगी। 17 वर्ष हो रहे हैं, 18 लगेगा, बालक की प्राप्ति होगी। चौकी रखी गई है, गरवासा किला है, पठान जिंद खवीस आदि शक्तियों का प्रभाव आपकी कुंख पर है, सो थोड़ा सा डॉक्टरी इलाज लेने पर, ये शब्द तो इसमें नहीं लिखा है, पर्चे में ध्यान रखिएगा, सो डॉक्टरी इलाज लेने पर आशीर्वाद पंडोकर धाम के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है यह फलीभूत होगा, आशीर्वाद है। साथ ही पति के बिजनेस में उन्नति एवं तरक्की होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है और 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर के बरहा धाम दर्शन करना है सुबह, और यहाँ पर 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल वंदन होंगे, 3 रामायण के पाठ होंगे, और जोड़ी से अमावस्या करेंगे। मैं आपको आश्वासन और वचन देता हूँ, अपने इष्ट के प्रति जो मुझे विश्वास और श्रद्धा है, जो हजारों लाखों को लाभ मिल रहा है, उसमें आप भी खाली नहीं जाएंगे। बस आप मनोबल, अच्छी सोच, अच्छी श्रद्धा के साथ ये अनुष्ठान करना, मन में शंका को शंका मत में मत लाना। मैं आपको गारंटी दूंगा कि पुत्रत्न की प्राप्ति होगी, और ईश्वर ने चाहा तो 15 महीने के अंदर पंडोकर धाम में पलना आपका धाम में गलेगा, आशीर्वाद है। आपका बच्चा झूला झूलेगा, लेकिन साथ ही साथ इलाज कराना पड़ेगा, साथ ही साथ इलाज भी कराना पड़ेगा। सफलता मिलेगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। आप लोग, आप पढ़ी नहीं है तो मैं अभी मंत्र लिखने वाला था, तो मंत्र तो मैं लिख ही रहा हूं, पहले स्क्रीन पर आप पर्चा देखें। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। स्क्रीन आप पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, पुत्र रत्न की कामना पूरी होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद। आपके घर में जो भी शक्तियां हैं वो सब जागृत होंगी, हमारा आशीर्वाद है। ये मंत्र नियम से करना बेटा, वो हम बता देंगे जैसे आदि हनुमान जी को मिलेगा। और बेटा बगैर माइक के सुनते नहीं है, और हमसे माइक से बात करा करें। आपने जो जो बोला है कि हमारी कुलदेवी कौन है, हमारे कुलदेवता कौन है, हम सब पे प्रकार डाल देंगे, लेकिन बगैर माइक के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण हो जाता है। हर व्यक्ति को माइक से बात करनी चाहिए, और इस माइक पे जोड़ दीजिए, एक बार मेरा माइक बंद कर दो, लेकिन जो पर्चे पूछते हैं ना, इनका माइक इतना होना चाहिए कि यदि माइक नीचे भी रखे ना तो आप वॉइस आवाज पकड़ लें, क्योंकि ये पंडोकर धाम के दरबार की प्रथा नहीं है कि माइक बंद कर दो, माइक छीन लो, माइक हटा दो, माइक पीछे रख दो, माइक नीचे पटक दो। ये पंडोकर धाम की प्रथा, प्रश्न करो उत्तर पाओ, साफ साफ होना चाहिए, जो जहां बैठा दर्शक वो वहां से स्पष्ट प्रश्न का उत्तर समझ सके, गुरुजी ने क्या जवाब दिया, अमुक व्यक्ति ने क्या पूछा, ठीक है। ये हमने मंत्र लिखा है, ये सभी व्यक्ति को ये मंत्र की नकल नहीं करना है, सबके मंत्र में कुछ ना कुछ फर्क होता है, और जो मैं मंत्र में दिखाता भी नहीं हूं, ध्यान रखिए। और ये मंत्र आपको विधिवत रूप से करना, फ्रय मंत्र तीसरी वाचा
सत्य नाम आदेश गुरु का, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जिस कार्य के लिए दिया जाता है, एक ही मंत्र हजारों लाखों करोड़ों विषयों पर लागू हो सकता है। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि महाराज एक ही मंत्र सबको दे रहे हैं, एक ही इंजेक्शन सबको लगा रहे हैं। यह हनुमान जी की भभूति कोई कोई ना होते हो कि झाड़ फूक औजाओं की भभूति नहीं है कि पेट दर्द की अलग, सिर दर्द की अलग, नाक दर्द की अलग, कान दर्द की अलग। यह हनुमान जी की भभूति है, सर्व औषधि है। ये ऐसी औषधि है जो संपूर्ण विषयों के लिए एक ही धूप होती है, जो होती है यज्ञ की भूमि की। बोलिए पंडो का सरकार की जाइए बहन। हाँ, क्या समस्या लेके आई हनुमान जी, सुनाइए। पति से थोड़ा सा झगड़ा रहता है और पापा जी की तबीयत खराब रहती है जी, घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। हमने लिखा, सुनिए। अतुल पस्तोर जी, अतुल पस्तोर जी शराब पीता है, पुत्र जयदीप जी आपकी गोद में है, ठीक है ना? फिर सुनो, अतुल पस्तोर जी शराब पीते हैं, पुत्र जयदीप जी के पुत्र हैं सोनी प्रसाद पस्तोर जी, उनकी किडनी खराब व ब्रेन हेमरेज तंत्र क्रिया का प्रयोग पति पर है जी। पहले इनको किडनी में भी डिफेक्ट है जी। साथ साथ ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। आए हैं क्या यहाँ? आए हैं आप? हाँ, कहाँ हैं? आइए आइए आइए, ये पर्चा दिखाइए, मैं देख लूँ इसमें क्या लिखा, क्या आया इसमें। अच्छा, पहले भी आप मिले हैं, आप कितनी भी बार भी मिलो, ये तो चाहे हमसे एक बार पूछो चाहे दस बार पर्ची करना पूछो, हम तो वही बताएंगे। यही बोल रहे हैं ना अभी भी दूसरी पर्ची में। चलो, एक पर्ची विड्रॉल हो जाएगी। हमने लिखा है, अतुल पस्तोर जी शराब पीते हैं, पुत्र जयदीप जी के पुत्र हैं सोनी, ठीक है, किडनी खराब है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तंत्र का प्रयोग है, खतरा बन रहा है, लेकिन ठीक हो जाएंगे, बस ईगो छोड़ें, गुस्सा छोड़ें, परेश रहे, आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। शराब नहीं छोड़े हुए तो इन बच्चों का क्या होगा, ये बस इसके लिए छोड़ें, और तुम्हें ठीक करने की गारंटी हिमाई, और इतना नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसके लिए परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री आदि महाराज के बरहा में जाकर दर्शन करें, ठीक है, और मात्र बीड़ा पान बतासा लेके जाना है। क्या लेके जाना है? बस हनुमान जी कृपा करेंगे, और ये मंत्र करने से आपको तत्काल सफलता मिलना प्रारंभ होगी। ये मंत्र नियम से करेंगे, और इसमें जो निशान लगाया है ओम क्लीम फट, फुट के आगे अपन को कुरु जोड़ना है, इसमें जो निशान में कुरु नहीं लिखा है ना, इसको करने से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बच्ची की शादी हो जाएगी, आशीर्वाद। अगली बार लेके आना उसको, उसकी पर्ची कटवा दो, भी नीचे रख दो उसको, पर्ची कटवा दो, नंबर आ जाएगा। चलो।